चलो एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1। देर आर टू क्यूबॉइड बॉक्स एज शो इन द एडजॉइनिंग फिगर। विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेजर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मूव। यहाँ हमें दो क्यूबॉइड बॉक्स दिए हुए हैं और दोनों में से और दोनों को बनाने में किसमें कम मटेरियल लगेगा, ये चीज पूछा है। ठीक है, जिसमें ये फर्स्ट फिगर जो दी है उसमें ये जो लेंथ है वो है 60 सेंटीमीटर, फिर ये जो ब्रेथ है वो है 40 सेंटीमीटर, एंड ये हाइट जो भी है वो है 50 सेंटीमीटर। और इस क्यूब में हाइट जो है वो 50 सेंटीमीटर दिया है और लेंथ और ब्रेथ भी 50 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्यूब है, क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ सेम ही होता है। ठीक है, और इसमें क्यूबॉइड में हाइट ब्रेथ और लेंथ ये तीनों अलग होते हैं, राइट। अब हमें क्या बोला है कि दोनों को बनाने में सबसे कम मटेरियल जो है वो किसमें लगेगा, तो फाइंड करने के लिए हमें इसमें सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ये क्यूबॉइड बॉक्स के लिए सरफेस एरिया फाइंड करूं, तो लिखूंगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू फॉर्मूला लगेगी टू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच। क्यूबॉइड बॉक्स की टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला टू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच है। अब इसमें हमें लेंथ क्या देगी, लेंथ जो है वो 60 सेंटीमीटर दी थी, ब्रेथ जो है वो 40 सेंटीमीटर, एंड हाइट जो है वो दी थी 50 सेंटीमीटर। तो इन तीन चीजों को हमें यहाँ पे फॉर्मूला में रखना है, तो टू एल की जगह 60, बी की जगह 40, तो 60 मल्टीप्लाई 40 प्लस बी 40, तो 40 मल्टीप्लाई एच 50 प्लस एच 50 मल्टीप्लाई एल 60 टू 6 4 24 और पीछे के 2 0, तो ये बन गया 2400 प्लस 4 5 20 और ये पीछे के 2 0 लगेंगे, ये बन गया 2000 प्लस 5 6 30 और ये पीछे की 2 0, तो ये बन गया 3000। अब इसका सम करते हैं, 2 2 0 पीछे कॉमन सब में है, पीछे 2 0 लगा देते हैं, फिर ये 0 प्लस 0 प्लस 4, तो ये बनेगा सिर्फ 4। ठीक है, फिर 3 प्लस 2 5 5 प्लस 2 7, तो ये बना 7400। अब
7400 मल्टीप्लाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई 0 तो 0 ही होगा। फिर से फिर 24 जा 8 और 27 जा 14, तो 14800। अब क्योंकि ये सब देखिए कभी भी एरिया फाइंड करेगा तो पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा है, क्योंकि ये सारी चीज सेंटीमीटर में थी तो पीछे क्या लगेगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वर्ल्ड हमें मिला 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें वो छोटे वाले क्यूब का भी सरफेस एरिया निकालना है ताकि पता चले मशीन को बनाने में कम मटेरियल यूज हो रहा है। तो अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इसकी फॉर्मूला है 6L square। क्योंकि देखिए क्यूब जो होता है उसमें चारों तरफ जो है ठीक है वो सेम साइड होती है, मतलब इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सभी कुछ सेम ही साइज होती है क्योंकि क्यूब में चारों तरफ स्क्वायर ही होता है ठीक है। तो ऐसे कितने स्क्वायर हुए क्योंकि क्यूब में टोटल 6 फेसेस होते हैं ठीक है, 1 2 3 4 5 8 पीछे 6, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं और यानी कि 6 स्क्वायर हुए ठीक है। तो 6 स्क्वायर के लिए 6 और मल्टीप्लाई एल स्क्वायर, क्योंकि अगर आप देखें हम जब स्क्वायर के लिए एरिया फाइंड करते हैं तो क्या लगाते हैं साइड मल्टीप्लाई साइड या फिर एल मल्टीप्लाई एल ठीक है। अब एल मल्टीप्लाई एल ऐसा कितने टाइम करना पड़ेगा क्योंकि 6 फेस है इसलिए 6 टाइम 6 6 तो फेस है इसलिए 6 टाइम करना पड़ता है, इसलिए एल इंटू एल तो वो हो गया एल स्क्वायर और साथ में 6 मल्टीप्लाई इसलिए इसका 6 एल स्क्वायर ऐसा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 एल स्क्वायर, आप 6 मल्टीप्लाई एल यानी उसकी जो साइड है वो क्या है 50, तो 50 का स्क्वायर या फिर 50 मल्टीप्लाई 50 लिखिए तो भी चलेगा ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 5 30 ठीक है, 6 5 30 और 30 मल्टीप्लाई 5 150। अब ये पीछे के दो जीरो को लगा देते हैं 6 5 30 उसका एक जीरो ठीक है, 50 मल्टीप्लाई अगर 6 किया जाए 6 5 30 और ये पीछे का जीरो, फिर मल्टीप्लाई 50 से किया जाए तो 5 3 50 और एक पीछे की स्ट्रिंग जीरो लगा, तो ये हुआ 15,000। तो 15,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया मिला 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसके ऊपर से ही पता चल जाता अब जिसका एरिया कम आया उसे बनाने में कम मटेरियल यूज होगा और जिसको जिसका एरिया ज्यादा आया है उसको बनाने में ज्यादा मटेरियल चाहिए ठीक है। तो यहाँ पे क्यूबॉइड का आया 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर और क्यूब का आया है 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये वाला कम है तो इसे बनाने में क्यूबॉइड बनाने में कम मटेरियल यूज होगा। हमें यही चीज नीचे लैंग्वेज में लिखने रहेंगे आंसर में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।
A suitcase which measures 80 centimeter by 48 centimeter by 24 centimeter. Suitcase का measurement दिया है 80, 48 and 24. तो ये तीनों चीज length, breadth और height तीनों होगी. Is to be covered with a tarpaulin cloth. Suitcase जो है उसको tarpaulin cloth से कवर किया गया है. हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टार्पोलियन ऑफ विथ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस. अब 100 सूटकेस के लिए टार्पोलियन कितना लंबा चाहिए जिसका विथ जो है यानी कि ब्रेथ वो 96 सेंटीमीटर दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सूटकेस जो है वो कैसे शेप का होगा, क्यूबॉइड शेप का होगा, राइट. अब ये जो सूटकेस है उसकी लेंथ जो है वो दिया है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ 48 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो 24 सेंटीमीटर. और इस सूटकेस को एक टार्पोलियन क्लोथ से ढकना, त्रिपाल के कपड़े से ढकना है. ठीक है, और ऐसे 100 सूटकेस को अगर हम ढके तो उसके लिए कितना लंबा टार्पोलिन चाहिए और उस टार्पोलिन का ब्रेथ जो है वो दिया हुआ है, उसकी ब्रेथ है 96 सेंटीमीटर. तो हमें उस टार्पोलिन क्लोथ की लेंथ भी फाइंड करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये फाइंड करें कि अगर एक सूटकेस को ढकना है तो कितना कपड़ा चाहिए. ठीक है, तो इसके लिए हम पहले इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस ये जो है वो क्यूबॉइड की शेप का है. तो यहाँ पे हम वही आगे वाले फॉर्मूला लगाएंगे कि 2 ब्रैकेट में LB प्लस बी एच प्लस एच. अब यहाँ पे इसकी लेंथ जो है वो 80 सेंटीमीटर थी, ब्रेथ जो है वो 48 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है वो 24 सेंटीमीटर थी. तो वो चीज यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला में. तो 2 एल 80, ब्रेथ 48 प्लस ब्रेथ 48 मल्टीप्लाई हाइट जो है 24 प्लस हाइट 24 मल्टीप्लाई लेंथ 80 तो एल 80 तो 2 48 मल्टीप्लाई 80 करते हैं. 48 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 8 64, 8 4 32, 32 प्लस 6 तो 38. 8 8 64, 8 4 32, 32 प्लस 6 38. ठीक है, तो यहाँ पे 384 और पीछे का ये 0 प्लस 48 मल्टीप्लाई 24 कर दो, 48 मल्टीप्लाई 24 2 8 16, 2 4 8 प्लस 1 9, 8 4 32, 4 4 16, 7 8 19. तो इसका सम 2 एंड यहाँ पे 15, तो 5 1 9 1 10 और 1 11, 11 52 प्लस
24 मल्टीप्लाई 8 24 मल्टीप्लाई 8 इज नाइन 84 जा 32 82 जा 16 17 18 19 सॉल्व करें तो 0 2 एंड 0 तो होगा 2 4 एंड 5 9 9 एंड 2 11 11 8 and 1 9 1 10 10 or 9 19 3 and 1 4 5 and 1 6 अब इसको आप फिर से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 6 जा 12 and 1 13 तो 13,824 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी एक सर्कल को बनाने के लिए इतना कापर चाहिए राइट तो हमें ऐसे कितने सर्कल को ढकना है 100 ऐसा आगे क्वेश्चन में बता है सो अगर एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया ये है तो 100 सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया जानने के लिए हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,824 मल्टीप्लाई करते हैं 100 तो पीछे ये दो जीरो और ऐड हो जाएंगे 8400 सेंटीमीटर का अगर 100 तो किसको ढकना है तो इसके लिए इतना पेपोलियन क्लोथ चाहिए ठीक है अब हमें आगे क्या बोला है उस पेपोलियन क्लोथ जो है उसका जो ब्रेथ है वो 96 सेंटीमीटर दिया है तो हमें उस पेपोलियन क्लोथ का कितना लंबा लेंथ जो है वो चाहिए ठीक है तो उसकी कितनी लेंथ होगी तो वो 100 सूटकेस आ जाएंगे तो 100 सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया हमें ये मिला अब हमें इसको ट्रिपोलियन क्लोथ से ढकना है तो हमें क्या किया होगा कि जो जो ट्रिपोलियन क्लोथ जो होता है उसका तो क्या होगा लेंथ और ब्रेथ भी होगा ठीक है तो मान लो ये वो त्रिकोणीय क्लोथ है ठीक है अब इसका हमें ओनली ब्रेथ दिया है और वो ब्रेथ दिया है 96 सेंटीमीटर ब्रेथ जो है वो है 96 सेंटीमीटर ठीक है अब ये क्लोथ जो है वो कितना लंबा हो तो ये जो सूटकेस 100 जो है वो आ जाए तो अब हम रिक्वायर्ड क्लोथ लिखेंगे तो इसके लिए भी हमें उसका क्या चाहिए एरिया राइट एरिया ऑफ तो एरिया ऑफ टार्पोलियन क्लोथ वो क्या कहलाएगा वो यही कहलाएगा ठीक है कि जो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस मिला है
38824 00 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि वो जो है वो तो रेक्टेंगल की शेप में रहेगा, तो उसकी फॉर्मूला एल मल्टीप्लाई बी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू 38824 00। ओके, अब हमें क्या अवेलेबल था उसका ब्रेथ, ब्रेथ जो है वो हमें 96 सेंटीमीटर दी थी, हमें सिर्फ फाइंड करना है उसकी लेंथ को। तो मैं एल मल्टीप्लाई ब्रेथ की जगह लिख देता हूँ 96 इज इक्वल टू ये 38824 00। अब क्या होगा, ये 96 जो है वो डिवाइड पे चला जाएगा, तो यहाँ पे एल मिल जाएगा, तो 38824 00 डिवाइड बाय 96। तो इसको डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारी लेंथ। तो देखते हैं इसका जो इसको डिवाइड कर देते हैं, फिर ऊपर से ये 0 2 नीचे लिया, तो 96 को अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 5, तो 5 6 30, 5 9 45, 45 3 48, तो ये बढ़ गया, तो 96 4 लेते हैं 24, 9 4 36 प्लस 2 38, ये 384 है, 96 4 का करेंगे तो वो है 384। अब 422 में से 384 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 को काट के 1, तो 12 में से 4 जाए तो 8, यहाँ पे 11 करके यहाँ पे 3, 11 में से 8 जाए तो 3 और यहाँ पे 3, और आप यहाँ पे 2 लिया तो आप लेंगे 4 को नीचे, 384 हमने कहीं देखा था, 96 4 जा, तो 96 4 जा 384 होता है, तो यहाँ पे ये पर और पीछे के 2 0 लग जाएंगे, तो इतना सेंटीमीटर आएगा लेंथ जो है 14400, इतना सेंटीमीटर लंबा लेंथ चाहिए उस त्रिपाल के कपड़े का। अब अगर आपको ये आंसर जो सेंटीमीटर में आया, ठीक है, अगर आप इसे चाहे तो मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल उसे 100 से डिवाइड करना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं लेंथ इज इक्वल टू 14400 डिवाइड बाय 100, ये पीछे ये 2 0 कम हो जाएंगे, तो 144 मीटर लेंथ वाला क्लोथ चलिए पीछे चेक कर लेते हैं, 11.3 का क्वेश्चन 2 था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 करेंगे।